टी20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले इकलौते एसोसिएट प्लेयर, जी हम बात कर रहे हैं कार्तिक मैयप्पन की, जो कि इतने यंग एज में एक हैट्रिक निकाल कर कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड सेंसेशन को बन गए। और सिर्फ सेंसेशन ही नहीं, सेंसेशन अमूमन वो होते हैं कि मतलब जो थोड़े टाइम तक चढ़े और वहां चढ़े उसके बाद एक आध साल में उनका जो मामला है वो खत्म हो गया। लेकिन कार्तिक मैयप्पन सिर्फ सेंसेशन की मोहताज नहीं है और डेफिनेटली उनका जो करियर है वो बहुत लंबा जुड़ने वाला है यूएई क्रिकेट के लिए, क्योंकि उनके पास वो क्वालिटी है जो एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म प्लेयर बना सकती है अपनी टीम के लिए। अभी रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू हुआ, cricket.com को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें यार बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने कही हैं, चाहे अपने करियर के बारे में हो, चाहे यूएई ओडीआई वर्ल्ड कप किस तरह से खेल सकता है 2023 वाला उसके बारे में हो, अपने कोच के बारे में हो, यूएई क्रिकेट के स्ट्रक्चर के बारे में हो। और उन्होंने ये भी बताया कि उनका सबसे बेस्ट फ्रेंड यानी जिगरी यार यूएई क्रिकेट टीम में कौन है। लेकिन सबसे पहले और ऊपर से उन्होंने एक और चीज बताई कि वो फास्ट बॉलर बनना चाहते थे, उनकी जो पहली प्रायोरिटी थी वो फास्ट बॉलर थी, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्हें स्पिन बॉलर बनना पड़ा, वो भी आज बताएंगे। और मेरे ख्याल से आज शुरुआत इसी से करते हैं। जरूर, देखिए उन्होंने सबसे पहले यही कहा cricket.com से जो उनका इंटरव्यू हुआ, वो फास्ट बॉलर बनना चाहते थे। जी हाँ, ये उन्होंने रिवील जरूर किया कि वो फास्ट बॉलर बनना चाहते थे, पर फिजिक ने उनका साथ नहीं दिया, ऐसी उनकी फिजिक नहीं थी बॉडी की कि वो फास्ट बॉलर बन पाए, यानी कि उससे उनका किनारा हो गया फास्ट बॉलर से। फिर वो वहां से उन्होंने दूरी बनाई उससे और फिर वो ऑफ स्पिन और लेग स्पिन ट्राई करने लगे, जी हाँ बॉलिंग कराने लगे, जैसे कि उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर उस वक्त कराया करते थे, काफी ज्यादा ऑफ स्पिन और लेग स्पिन कराते थे वो कभी कभार बीच में, तो वैसे ही सेम एज मैंने भी शुरू कर दिया ऑफ स्पिन और लेग स्पिन कराना। लेकिन थोड़ा सा फनी थिंग ये हुआ कि कोच ने मुझसे कहा कि किसी एक चीज पे स्टिक रहो, एक चीज को पकड़ो, तो तब से उन्होंने लेग स्पिनर को अपना वेपन बनाया और एज अ लेग स्पिनर अपना करियर शुरू किया। बिल्कुल, तो ये कहानी है उनकी कि वो फास्ट बॉलर बनना चाहते थे और कैसे वो आकर एट द एंड एंड अप हो गए लेग स्पिनर में। और कहीं ना कहीं जो होता है अच्छे के लिए होता है, काम गलत नहीं है, वही लेग स्पिनर ने T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक निकाल दी और पहले एसोसिएट प्लेयर बन गए दुनिया के T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक निकालने वाले। उसके बाद उनका इंटरव्यू कंटिन्यू रहा, उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा गया कि क्रिकेट में आपका कैसे आना हुआ, ये तो बात हो गई फास्ट बॉल एक्सप्लेनर की, उससे पहले आप क्रिकेट में कैसे आए। तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि वो चेन्नई में उनका जो चाइल्डहुड जो बीता है, बचपन जो बीता है वो चेन्नई में बीता है। तो वहां पर उन्होंने कहा कि मैं बचपन में काफी ज्यादा चेस खेला करता था, चेस से बहुत एडिक्शन उन्हें था और कहीं ना कहीं स्टेट लेवल तक वो चेस खेले हुए हैं। और उन्होंने कहा कि बचपन में जैसे मैं था वाला शरारती टाइप का, मुझे कह सकते हैं एक जगह पर कभी बैठा नहीं रहता था और सिर्फ एक ही चीज मुझे एक जगह पर घंटों रोक सकती थी और वो थी चेस। अगर मुझे कहीं पर रोकना कुछ करवाना हो तो आप मेरे सामने चेस रख दीजिए, मैं चेस पे खेलता रहूंगा, ये उनकी आदत थी। लेकिन उसके बाद जब फैमिली जो दुबई शिफ्ट हुई और उसके बाद कहीं ना कहीं चेस जो है उनका छूटता चला गया और फिर उन्होंने क्रिकेट को खेलना शुरू किया। जी हाँ, ऐसा क्रिकेट उन्होंने स्पोर्ट वहां पर लिया और उनके जो पापा थे वो कहीं ना कहीं उनके साथ खेला करते थे, उनको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वगैरह अपने ही घर के बैकयार्ड में किया करवाया करते थे। ऐसे करते 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 धीरे धीरे मैं स्कूल में रहते हुए फिर अंडर 16 अंडर 19 की टीम्स में आकर फिर उसके बाद मैं एज ए क्रिकेटर मैंने इस प्रोफेशन को चुना। तो इस तरह से एक चेस में बेहतरीन प्लेयर क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप हैट्रिक लेने का जो सफर है वो इस तरह से कार्तिक मैयप्पन ने पूरा किया है। और बहुत इंटरेस्टिंग रिविलेशन वहां पर इन्होंने की है। नहीं जरूर, उसके बाद उन्होंने अपने डेब्यू को लेकर बातें की और अपने क्लोजेस्ट बडी के बारे में भी बात की। जी हाँ, कि टीम के क्लोजेस्ट बडी जो उनके फ्रेंड उनके, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ डेब्यू के बारे में ये कहा कि इतना मुश्किल, बहुत मुश्किल था, इतना आसान नहीं था कि टीम में डेब्यू कर पाना जब वहां पर तकरीबन 30-35-36 सालों के जो कई उम्र में बड़े बड़े टीम में पहले से मौजूद थे, क्योंकि पहले यूएई में ऐसे ही प्लेयर ज्यादा हुआ करते थे 36 वगैरह ईयर्स के 30 के। लेकिन जब उनका डेब्यू हुआ उसके बाद से एक यंगस्टर्स की एक पूरी फौज आप मान के चलिए कि तैयार हुई यूएई में आने के लिए। जी हाँ, यूएई का जो क्रिकेट है वो अचानक से बदला, काफी ज्यादा यंगस्टर्स यूएई की टीम में आए और उसमें वो भी थे ऑब्वियसली कार्तिक मैयप्पन। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जो उनके क्लोजेस्ट बडी के बारे में, जी हाँ वो है विद्या अरविंद, जिनके साथ वो सबसे अच्छी उनकी बॉन्डिंग है, उनकी फ्रेंडशिप है, जब से टाइम उन्हीं के साथ वो स्पेंड करते हैं अगर हम टीममेट्स में अगर उनकी बात करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब जितना क्रिकेट हो चला है मिडिल ईस्ट में, ये बहुत अच्छा है कि आने वाले वक्त पर यंगस्टर्स को काफी मौके हैं इस कंट्री से खेलने के लिए। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग रिविलेशन उन्होंने किया कि उनके बेस्ट फ्रेंड और बॉन्डिंग क्या है और किस तरह से यूएई में और यंग क्रिकेटर्स दस्तक दे सकते हैं। खैर, उसके बाद उनसे पूछा गया, जी हां, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक निकालने को लेकर, जब उनसे हैट्रिक के बारे में हमें बात की गई कि जब आप हैट्रिक बॉल डालने जा रहे थे तब आपके माइंड में क्या था, क्या गेम प्लान था, तो
उन्होंने जो जवाब दिया वहां पर, जो रिपोर्ट जो उनके इंटरव्यू ले रहे थे वो भी, और कहीं ना कहीं डेली क्रिकेट भी हम दे हम भी जब मैंने जब ये पढ़ा तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली थोड़ा सा हैरान जरूर हुए। यकीन मानिए उन्होंने कहा कि जब तीसरी डिलीवरी डालने जा रहा था तो मुझे याद ही नहीं था कि मैं हैट्रिक पे हूँ। मुझे शुरू में याद था, मैंने पहली बॉल विकेट लिया, दूसरी विकेट लिया, तब मुझे याद था कि अब मैं हैट्रिक बॉल पे हूँ। लेकिन जब मैंने अपना रनर अप शुरू किया तब मेरे माइंड से पूरी तरह निकल गया था कि वो एक हैट्रिक बॉल है और मैंने बॉल अच्छी डाली और बेहतरीन उसमें मुझे विकेट मिला। तब उन्होंने इस चीज से लेट कहा कि इसका मुझे फायदा भी हुआ, क्योंकि अगर मेरे माइंड में ये रहता कि हैट्रिक बॉल हैट्रिक बॉल हैट्रिक बॉल है तो शायद मैं नर्वसनेस के चक्कर में एनएक्स के चक्कर में कोई एक गलत बॉल डाल देता या खराब बॉल डाल देता या फिर लेंथ से हटकर बॉल डाल देता, जो अमूमन प्लेयर से हो जाता है इस तरह के सिचुएशन में। लेकिन मुझे याद नहीं रहा तो मैं अपनी बेस्ट डिलीवरी डाल पाया और इसी वजह से वो एक बेहतरीन डिलीवरी थी। यहाँ पर मेरे ख्याल से दासुल शर्मा का शायद मारा था और उसी के साथ ध्यान गुगली का इस्तेमाल किया था और उन्होंने अपनी हैट्रिक कंप्लीट की। तो ये रीजन था, आपको बता दें कि कार्तिक मैपम जो कि इकलौते ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले, वो अपनी हैट्रिक बॉल ही भूल गए थे कि उन्हें हैट्रिक बॉल, ये हैट्रिक बॉल है और उन्हें इस पे हैट्रिक लेनी है। तो ये इंटरेस्टिंग ये, और यही पर नहीं, एक दो और चीजें बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कही, एक यूएई के कोच के बारे में और उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप में यूएई कैसे खुद की दावेदारी ठोक रहा है इंडिया के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और रॉबिन सिंह सर के बारे में उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि उन जैसे एक्सपीरियंस, इतने ज्यादा एक्सपीरियंस कोच हमारे साथ जुड़े हैं, और खाली जुड़े ही नहीं है, वो यूएई के डायरेक्टर भी हैं, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट भी वो वहां पर है, साथ ही साथ हेड कोच भी हैं। जी हाँ, हेड कोच भी टीम के। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है उनका, जिससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। आईपीएल में भी उन्होंने एक डेकेड गुजारा हुआ है एज अ कोच और एज अ कंसल्टेंट सब तरीके से वहां पर। और एक चीज उन्हें जो स्पेशल बनाती है कि अगर आप उनसे कुछ भी पूछेंगे तो उनका बहुत ज्यादा उन्हें नॉलेज है, बहुत ज्यादा उन्हें इस बात का ख्याल है, प्रैक्टिकल दिमाग है उनका, कि वो सब जानते हैं जिस चीज के बारे में आप उनसे पूछना चाहते हैं वो पूरा सॉर्ट आउट करके देंगे आपको। इतने वार्म भी हैं, जी हाँ, ऐसा नहीं है कि खाली बोला चले गए, नहीं, उसे पूरा क्लियर करके वो देते हैं। ऐसा कार्तिक मैयप्पन ने बहुत ह्यूजली प्रेस किया अपने हेड कोच रॉबिन सिंह को और कहा ऐसे के साथ टीम के साथ ज्वाइंट होना ये वाकई में बहुत बहुत कमाल की बात है, आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग होता है कि इतने बड़े कोच के साथ हम सब खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूएई क्रिकेट के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रॉफिटेबल रोल जो अगर कोई निभाते हैं तो वो रॉबिन सिंह सर है। उसके बाद लास्ट उन्होंने बात की ओडीआई वर्ल्ड कप को लेकर। 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप होना है इंडिया में और उसको लेकर ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर होने हैं जिम्बाब्वे में। और सबसे पहला उनसे जब पूछा गया कि ओडीआई वर्ल्ड कप में आपको क्या लगता है यूएई कितने चांसेस, उन्होंने कहा कि देखिए चांसेस तो डेफिनेटली है, ऐसा नहीं कि आप ये कह सकते कि नहीं कोई चांस ही नहीं है, चांसेस जरूर है और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज रियलिटी में बदलने के लिए आप हमें जो अपना पैर है वो एक्सेलरेट मोड पर रखना होगा, इसमें कोई दोहरा नहीं। और उन्होंने साथ में एक चीज़ और कही कि हमें एक चीज़ का फायदा और मिला है कि हम एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेलते हुए नजर आए हैं और आई20 लीग में भी हमें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर बड़े बड़े प्लेयरों के साथ मैचेस खेलने का, ये तो मानना पड़ेगा कि यूएई के लोकल प्लेयर्स हैं उन्हें तो जबरदस्त इस चीज़ का मिल भी रहा है। नहीं, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा और ये इनके बयान से भी बिल्कुल साफ है कि यूएई प्लेयर्स को जरूर वो एक्सपोजर जरूर मिल रहा है, वो एक्सपीरियंस जरूर मिल रहा है। क्यों नहीं मिलेगा, बातचीत तो कर, क्योंकि यूएई प्लेयर्स तो ऑब्वियसली बोर्ड पर, बोर्ड भी उनसे कहेगा, आप बोर्ड उनको मिलाएगा, खुद इंटरेक्शन कराएगा, मोइन अली हो या कोई भी और बड़े प्लेयर हो, पोलार्ड हो, खुद इंटरेक्शन बोर्ड कराएगा कि चलो मिलो, थोड़ा जाकर थोड़ा बात करिए आप आपस में, तो ये ऑब्वियसली है, इससे बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, और इसमें उन्होंने कहा कि होपफुली है, होप तो हम जरूर कर सकते हैं कि हम ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में जरूर खेले, लेकिन उन्होंने कहा वो अभी काफी दूर है, लेकिन उससे पहले हमें दो और चैलेंजेस यहां पर पार करने हैं। वो है कि सबसे पहले हमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पहुंचना है और उसके बाद अगर अगर हमने बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया तो फिर ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर क्रॉस करके हम ओडीआई वर्ल्ड कप तक पहुंच सकते हैं, लेकिन होपफुल वो यहां सर। बिल्कुल, एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा आउट ऑफ द बॉक्स, कार्तिक मैयप्पन का जो तो खैर एमएस धोनी से भी मुलाकात हो चुकी है उनकी, यहाँ नेट बॉलर थे चेन्नई सुपर किंग्स के, तो उनसे भी वो बात कर चुके हैं, उन्होंने पिछले कई इंटरव्यू में इसका जो जिक्र है वो किया। बिल्कुल, इसलिए हमने शुरू में ही कहा यार कि सेंसेशन अलग चीज होते हैं, लेकिन ये सिर्फ सेंसेशन बन के नहीं रह जाएंगे, एक क्वालिटी बॉलर यूएई को डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए मिल गया है। तो ये उनका पूरा इंटरव्यू था जो आपके सामने ने प्रेजेंट किया, उम्मीद है बहुत अच्छे से हम आपके सामने रख पाए। प्लीज एफर्ट जो क्रिकेट लगातार करता है वो आपसे भी छुपा नहीं, आप लगातार उस चीज को देखते हैं, तो उसके लिए प्लीज एफर्ट को अप्रिसिएशन आप करते भी हैं और लगातार करते रहिए। वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर करिए, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि आपके जो भी क्रिकेट फैंस का जो पसंद है एशियन क्रिकेट को फॉलो करना, क्रिकेट फॉलो करना, वो भी इस वीडियो को सुने, उनके बारे में समझे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये जो एफर्ट्स है वो आपको टेलीग्राम के अलावा शायद ही कहीं देखने को मिले यूट्यूब पे। बाय बाय।